एक ऐसा समाज जो अपने से ही घृणा करने लगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले युवा तैयार किए जाए, स्वयं को हीनता से देखने की भावना पैदा की जाए और भारत को जोड़ने वाली जो शक्ति है, जो धर्म है, जो परंपराएं हैं, उनके प्रति अपमान, उनका रिडिक्यूल करना, ह्यूमिलिएट करना और इस प्रकार की परंपराओं का पालन करने वाले को मारने तक को उनको साधारण घटना बताने की सोच तक ले जाना, इस प्रकार से नफरत से भरे हुए प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को तो हम सब पहचान ही रहे हैं और ज्यादातर ये वो प्रोपेगेंडा वारी है। जब अंग्रेज भारत में आए तो वो अचंभित थे, और भी कई विदेशी यात्री जो भारत में आए व्यापार के लिए या राज करने के उद्देश्य से, वो यहाँ की विज्ञान को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखकर अचंभित थे और इसी कारण उन लोगों की पहली साजिश यही थी कि एक तो यहाँ का विज्ञान और यहाँ की शिक्षा और ज्ञान परंपरा को खत्म किया जाए, दूसरे यहाँ के नागरिकों के मन में जो आत्मगौरव का भाव है, जो स्वाभिमान है, जो अपनी ज्ञान परंपरा की पहचान है, एहसास है, इसको झूठा इतिहास पढ़ा के, झूठा ज्ञान पढ़ा के, झूठे एजुकेशन के माध्यम से इनके अंदर हीन भावना पैदा की जाए। उसी हीन भावना से पैदा हुए हीन लोग जो कम्युनिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने हमारी ज्ञान परंपरा को इस तरह का आडंबर और पाखंड बताया है। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पाखंडी और हिंसक और हत्यारे जो लोग हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो या इस्लामिक जिहादी हो, वो अगर भारतीय इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर सवाल उठाते हैं तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों जो सवाल पूछ कर आ रहा है, मानवीय जिज्ञासा के तौर पर आ रहा है, उसके साथ शास्त्रार्थ करने की, ज्ञान पे चर्चा करने की, नए ज्ञान को स्वीकार करने की हमारे यहाँ हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ हमला करने आ रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा करने आ रहा है, उनका एक्सपोज भी करना जरूरी है और उनको शक्ति पूर्वक, निर्ममता पूर्वक कुचलना भी जरूरी है।